एक साल का आंदोलन, किसानों को राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन करते हुए पूरा एक साल आज होके आके। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2020 को राजधानी की सीमाओं पर किसान पहुंच गए थे, तीनों कृषि कानून वापस हुए, एमएसपी पर गारंटी मिली, इसके अलावा भी कुछ मांगे थी जिसको लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई। कहा गया कि 6 महीने तक आंदोलन चलेगा, 6 महीने का राशन हम लेकर आए हैं, लंबी तैयारी की गई है, लंबा संघर्ष होगा, लंबी लड़ाई होगी। लेकिन उस वक्त ये नहीं लगा था कि इतना लंबा आंदोलन होगा या फिर इतना लंबा आंदोलन हो सकता है, लेकिन लंबा आंदोलन चला के पूरा एक साल हो गया कि राजधानी की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि पीएम तो ऐलान कर चुके हैं कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, लेकिन पीएम के ऐलान के बाद भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसानों की कुछ और मांगें हैं। किसानों का कहना है कि संघर्ष आधा हुआ है, लड़ाई आधी जीत ली गई है, लेकिन अभी लड़ाई, अभी आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब संख्या बढ़ने लगी है किसानों की। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ी है। पिछले 2 से 3 दिन से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं की ओर दरअसल कूच कर रहे हैं किसान, क्योंकि 29 नवंबर का आप जानते हैं ऐलान किया संसद कूच का। आज एक साल पूरा हो रहा है, तो आज एक साल के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम भी हैं। जिन किसानों की इस एक साल के दौरान जान चली गई, उन किसानों को श्रद्धांजलि आज एक बार फिर से दी जाएगी। 29 नवंबर को दिल्ली कूच रहेगा, दिल्ली कूच को लेकर किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर रवाना होंगे, उससे पहले तैयारी चल रही है। किसानों की भीड़ को देखते हुए, किसानों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसी भी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रशासन का भी प्रयास है। तो ये अपनी तरह का पहला आंदोलन, ये अपनी तरह का पहला आंदोलन आजाद भारत के इतिहास में। एक साल पूरा, कुछ एक घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो किसान नेताओं का दावा सही भी ठहराया जा सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया गया। कुछ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, अलग अलग तरह के मोड़ भी एक साल में आए, अलग अलग तरह के स्वरूप भी आंदोलन के दिखे, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि पीएम या कह लें कि केंद्र सरकार कानून वापस लेने को तैयार हो गए। इसे हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देख रहे हैं कि क्या ये चुनाव से पहले का असर है, क्या ये चुनाव में प्रदर्शन पर होते असर का आप मान सकते हैं कि ये स्थिति बनी कि पीएम की ओर से ऐलान कर दिया गया। तो तमाम तरह की बातें हैं। विपक्ष अब भी कहता है कि कानून वापस लेने थे तो 700 से 800 किसानों की जान क्यों गई, पहले सरकार ने फैसला क्यों नहीं लिया। अब किसान कहते हैं कि ऐलान काफी नहीं, वापस लेना भी काफी नहीं, मांगें बहुत सारी हैं, उन मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज खास बात यह है कि आज आंदोलन का पूरा एक साल हो गया है। शंभू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पिछले साल आज की तारीख ही थी, आपको याद होगा, आप शंभू बॉर्डर पर की मौजूद थे, आपने दिखाया कि बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच रखे हैं, बैरिकेड्स हटाते हुए, बैरिकेड्स को फेंकते हुए। उस वक्त भी आपने कहा था कि आंदोलन आज की संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुत मजबूत, बहुत लंबा आंदोलन होगा। मजबूत का हालांकि हम नहीं कह सकते, लेकिन ये स्पष्ट है जितेंद्र की बहुत लंबा ये आंदोलन चल गया कि एक साल पूरा राजधानी की सीमाओं पर। देखिए बिल्कुल ज्योति, आज एक साल इस पूरे आंदोलन को हो चुका है और लगातार हम एक साल की इस पूरी कवरेज में भी हमने दिखाया कि किस प्रकार से किसानों की वार्ता सरकार के साथ रही, किस तरीके से किसानों का ये आंदोलन अलग अलग मोड़ लेते हुए नजर आया। पूरे एक साल में खबरें अभी तक ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दिखाया है। आज भी हम शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं पिछले साल से, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले साल जो तमाम जो किसान हैं उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर खासतौर से हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रबंध किए गए थे कि उन्हें हरियाणा के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, सरकार की तरफ से ये आदेश था जिसके बाद ये फैसला किया गया था। और तमाम जो यहाँ पर किसान आ रहे थे उनके लिए ट्रकों के अंदर मिट्टी भर करके रास्ते को रोका गया था, अलग अलग तरीके से क्रेन यहाँ पर खड़ी की गई थी और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था उन्हें रोकने के लिए। आंसू गैस जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आज ही के दिन इसी शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के हौसले के सामने तमाम प्रबंध जो हैं वो नाकाफी नजर आए थे। आज शंभू बॉर्डर की तस्वीर कुछ अलग है, एक साल हो चुका है, 3 कृषि कानूनों को लेकर के जिस प्रकार से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था उसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से आंदोलन के एक साल होने से पहले ही
ये फैसला किया गया कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस सरकार ले रही है, लेकिन एमएसपी गारंटी ना होने की वजह से और संसद में इन्हें पास जब तक ना किया जाए इस फैसले को, तब तक का इंतजार जो है वो किसानों की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और उसी को लेकर के अभी भी आंदोलन जो का त्यों बना हुआ है। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग है, किसी प्रकार का कोई बैरियर, कोई रुकावट जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया गया है, कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई है, कई लेयर की बैरिकेटिंग और इससे ठीक पीछे जो पुल था वहां पर जिस प्रकार से किसानों की तरफ से जो बैरिकेटिंग है उसे उठाकर नीचे जो गिराया जा रहा था, जिस तरीके से पुल के नीचे गिराया जा रहा था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार का नजारा था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पूरे तरीके से स्मूथ है, किसी प्रकार की कोई समस्या आमजन को भी आज नहीं हो रही है और जो बैरिकेटिंग है वो भी यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि कुछ पुलिस बल जरूर है लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर मौजूद है, हरियाणा पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिल रहे हैं। गाड़ियों के अंदर पिछली बार की तादाद की मुकाबले गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर जो किसान जत्थे हैं वो यहाँ से गुजरते नजर आ रहे हैं और इस टोल के नज़दीक में ही जो पूरा प्रबंध है वो यहाँ पर भी लंगर को लेकर के किया गया है। कैमरामैन जतिन हमारे साथ हैं जो आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ महिलाएं भी आज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं जिस प्रकार से इससे पहले की तस्वीर थी, लेकिन उतना बड़ा जोश खरोश उस तरीके से पुलिस बल की तरफ से रोकने को लेकर के कोई जो तैयारी है वो तमाम चीजें यहाँ पर नहीं है। कुछ प्रतिक्रियाएं कवरेज की है, हमने हर एक अपडेट दी है, पूरा एक साल हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर दिल्ली की ओर आप कूच कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने जो तीन कृषि कानून थे वो वापस ले लिए हैं, कैबिनेट के अंदर भी अध्यादेश उसको लेकर के पारित कर दिया गया है और जो आगामी जो सेशन है उसमें भी इसे करने को लेकर के सरकार ने अपना एजेंडा रखा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ जी, असं जब तक एमएसपी गारंटी होंगे जी, दूसरा वो मंत्री जो उन्होंने है जिन्हें किसान पर गड्डी चाढ़ी आ खीरी खंड वाले खीरी, जब तक असं ये उत्थों नहीं उठा जी, ये वापस होकर ठीक आ जी, जब तक घर चल चलता रहेगा इस तरीके, इस तरह बीबिया बच्चे सारे उत्थे आते रहेंगे जी। जब तक एक साल आपको हो चुका है, अब जो मुख्य मांग थी कृषि कानूनों को लेकर के, उसके बाद तमाम चीजें और मांगे भी आपकी बनी समय के साथ, लेकिन ये मुख्य मांग थी, आपको लगता है कि सरकार ने किसानों के बारे में कोई सुध लिया है एक साल में? देखो जी, जो संघर्ष चल रहा है ना, ये मोदी सिंह ने बहुत लेट काम कर लिया है, जो ये कानून पहले ही वापस कर लेता तो बहुत अच्छा होता और जनता भी उसके साथ साथ देती, पर ये जो साल हो गया इसको पूरा, तो संघर्ष में बहुत नुकसान हुआ है, जो 750 बंदा मरे हैं, उसने कोई उसका निर्णय नहीं लिया है, जो हुण कानून वापस लिए है ना, जो पहले जे उस बंदों का भी जो बंदे मरे ने ना उनका भी थोड़ा जा वेरवा दे देता हो वो फिर भी बहुत ज़्यादा उसको शाबाश मिल जाती, पर इसलिए उसकी फिट लांत है। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर जो किसान हैं वो खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से फैसला जो है वो लेट किया गया है और ऐसी स्थिति में काफी नुकसान जान माल का भी किसानों का हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने सुध ली, कृषि कानूनों को वापस किया, आपको लगता है कि अब आपको लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अब जो आम लोगों के लिए रास्ते बंद हैं, जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई, तो अब सरकार के साथ वार्ता के साथ जो फैसला है वो कराया जाए? देखिए, शुक्रिया आपका यहाँ पहुँचने पर, धन्यवाद करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, टोल प्लाजा इंचार्ज यहाँ से मैं, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और पत्रकार भी आ रहे हैं। आज हमारा यहाँ से बड़ा काफिला अम्बाड़ा जिला से हमारी यूनियन लेके चले गए, अम्बाड़ा के यहाँ से किसान इकट्ठे हो रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से, यहाँ से चलेंगे हमारा। आपका जो सवाल है उसका जवाब एक ही है, इस सरकार का अहंकार टूटा है, जो डेमोक्रेसी में तानाशाही ये करना चाहते थे ना, उसका जवाब दिया है किसानों ने। अभी तो सरकार ने वो वापस लिया है जो हम मांग नहीं रहे थे, वो जबरदस्ती दे रहे थे वो वापस लिया, अभी जो हम मांग रहे थे तो सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हमें, जिसको लेके हमने आंदोलन शुरू किया था एमएसपी को लेके, एपीएमसी मंडियों के लिए, वो तो हमें कुछ भी नहीं दिया, ये तो वापस लिया जो हमें दे रहे थे जबरदस्ती। व्यवस्था तो जो के त्यों बना दी ना आपको, सड़क पर जिस वजह से आना पड़ा था, मुख्य वजह तो कानून थे,
उनकी वजह से आप सड़कों पर आए थे, अब सरकार कमेटी बना रही है, सरकार के साथ वार्ता कीजिए आप। अब सरकारों का कहना है कि कृषि विशेषज्ञों को हम इसके साथ लेंगे, किसानों को साथ लेंगे, और जो वार्ता करके जो एक हल वाली बात है, जो क्योंकि अब हट छोड़ करके, जब सरकार ने हट छोड़ी है तो किसानों को भी क्या नहीं लगता कि अब हट छोड़नी चाहिए? किसी हद तक आप भी ठीक हैं, परंतु एक नियम है, सपोज दैट मेरे पिताजी पूरे हो जाते हैं, जब तक उनका डेथ सर्टिफिकेट में एंटर नहीं किसी भी कागज में कराऊंगा, मैं उसकी किसी भी चीज़ का हकदार नहीं बन सकता। इसीलिए जब तक इन कानूनों का डेथ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता, तब तक वहां से वापस नहीं आएंगे हम। और भी जो मांगे हैं हमारी, वो इनको माननी पड़ेंगी सरकार को। हम यहां से शुद्ध गए थे, किसी के ऊपर कोई केस नहीं था। जितने रास्ते में हमारे ऊपर झूठे केस किए गए हैं, वहाँ बैठों के दौरान केस किए गए हैं, वो सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। MSP और APMC की जो हमारी लड़ाई थी, उसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा, हमें देना। हाँ, कमेटी बनाएंगे, हम सहमत हैं, हमारे नेता बैठे हैं वहाँ, बहुत समझदार हैं, दूरदर्शी हैं, फख्र है हमें उनके ऊपर। और जो भी वो फैसला लेंगे, ठीक लेंगे, अच्छा ही लेंगे, किसानों के भले के लिए लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, आपने भी कहा कि कुछ लोग शहीद हुए, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से आंदोलन पर उंगलियां उठी, ऐसे ऐसे कई विषय आए जिसको लेकर के ये रहा कि वहाँ जो घटनाएँ घट रही हैं वो किसान नहीं हो सकते। देखिए, घटने घटी नहीं है, वो घटाई गई हैं एक संयोजित तरीके के साथ। जो भी हमें गिराने के लिए, मनोबल गिराने के लिए, हमारे आंदोलन को गलत सिद्ध करने के लिए सरकार ने जो जो भी हथकंडे अपनाए अभी तक, उनका किसान आंदोलन में किसान आगुओं ने और ख़ास करके हमारे नौजवान बच्चों ने, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के शांतिपूर्व इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया, ये उसकी देन है। सरकार ने हमारे पास आंदोलन को फेल करने के लिए, हमें आतंकवादी बताने के लिए, अतवादी बताने के लिए, नक्सलाइट बनाने के लिए, कांग्रेसी बताने के लिए, कॉमरेड बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सरकार के सभी प्रकार के हथियार फेल हो चुके थे, तब सरकार की, मोदी की गर्दन से ये झुकाव पैदा हुआ है मजबूरी में। दया होती, नखरे के साथ ना बोलता भी मैं किसानों को समझाने में नाकामयाब रहा। हाँ, जितनी तेरी बुद्धि थी, तेरे मंत्रियों की बुद्धि थी, किसानों ने उनको समझा दिया कि आप गलत हैं, हम सही हैं, इसलिए उसको कानून वापस लेने पड़े हैं, वो हमें नहीं समझा सका। खुद मान रहा है भी मैं सरकार किसानों को नहीं समझा सकी भी कानून आपके फायदे के लिए हैं, हम नहीं समझाया उसको, कानून हमारे नुकसान में है और उसको वापस होना पड़ा। ठीक है, और भी कुछ महिलाएँ हैं, हालाँकि बात करने में थोड़ा सा सामने कैमरे के, वो आप बताइए कि कहाँ से आप आ रहे हैं और आपने किसानी का झंडा तो उठाया ना, उसके बारे में आप बात कीजिए। नाबा को पता तो है ना आप किस लिए आए? आया नाबे तो आए हैं, हाँ, अच्छी तरह मोदी नू बहुत सब कुछ सिखाउण आए हैं, सिखा भी दिता, कुछ होर भी सिखावे, हूँ सारिया मंगा आपदियाँ पूरिया करावे। हूँ सब सानू बहुत दुख दिता है, बहुत बेचारे, बहुत किसानों की इन्नी बेअबदी हुई है, कोई अंत ही नहीं, इन्नी महंगाई उन्हें अग लाई है, कोई अंत ही नहीं है, कोई चीज़ सस्ती सड़ी होनी, किसान तो खाने योग रोटी छड़ी ही नहीं, बर्बाद करते। हूँ असं पिछे भी नहीं मुड़ा, मुड़ ही जावे असं। हूँ आप ये बताइए, आप बच्चे बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, अब तीन कानून तो वापस हो गए, अब घर आ जाए, एक साल हो गया, नहीं हूँ नहीं आते है अजे भी, सारिया मंगा पूरिया करा के फिर आवेंगे, हूँ वापस नहीं मुड़ते है, हूँ तो सिरे ती जावे। हाँ जी, जिन्हें चर लिखती रूप नहीं हजे उन्हें सानू दिता, अजे तो उन्हें जवाब जिमें वोटा मंगण वेले झूठ लारे लाने होंगे ने, इस तरह उन्हें सानू बोल के दस्या, जिन्हें चर वह लिखती रूप से साड़िया सारिया मंगा सानू लिखत के नहीं साढ़े मूहरे उन्होंने दिता, किसानों जो मूहरे ने उन्ना चर असी वापस धरना, साढ़ा वापस नहीं आऊ। सरकार कह रही है भरोसा तो रखो, कह तो दिया, अब तक कह रहे थे हम नहीं वापस लेंगे, अब कह तो रहे हैं कि वापस लेंगे, और कैबिनेट में भी पास कर दिया, अब संसद में भी पास हो जाएगा कुछ दिन। असी विश्वास उन्होंने करते ही नहीं है, उन्हें तो ग्रंथ साहब चक चक के उन्होंने उन्होंने उन्नी कराया है, झूठ बोल गए, हूँ असी कली कहन असी सच नहीं मानते है, असी उन्होंने चर वापस नहीं आते जिन्ना चर वो सारा साडिया मंगा लिखती रूप च देंदे नहीं है। आप कहां से आ रहे? नाभा, हाँ नाभा से हैं हम, उतनी देर तक जहाँ पे दिल्ली बैठे रहेंगे जब तक हमारा सारा कानून वापस नहीं होता। वापस तो करने का फैसला कर ही दिया सरकार ने, अब तो कैबिनेट में भी लेकर पूरी तरह नहीं होता है, उतनी देर तक हम उठे डटे रहेंगे। ठीक है।
एक साल बाद वही डटने की बात जो किसानों की तरफ से कही जा रही है कि सरकार भले ही इन बातों को कैबिनेट में ले आई हो या फिर सरकार की तरफ से या फिर सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से इसका ऐलान किया गया हो, लेकिन संसद में पारित होने के बाद जो है कानूनों को रद्द करने के बाद जब कागज उनके हाथ में आएगा उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी मांगे, उनका कहना है कि ये वो बात थी जिसे सरकार किसानों को दे रही थी लेकिन उन्हें नहीं चाहिए थी, और जो उनकी मांग है MSP की, जो मांग है, जो केस दर्ज किए गए हैं किसानों पर इतने लंबे वक्त के अंदर, जिन लोगों की इस दौरान जान गई है, उसको लेकर के सरकार का क्या संज्ञान है, इसको ये भी अब मुख्य मांगों के अंदर किसानों की शामिल हो चुका है और इसको लेकर के भी सरकार को कोई फैसला करना चाहिए, सीधे तौर पर यहाँ पर तमाम जो किसान हैं उनकी तरफ से कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बातचीत आपने की जानकारी दी। तो किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है, एक बार फिर से किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, और ये इसलिए भी चूंकि एक साल पूरा हुआ, कुछ कार्यक्रम भी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान भी किया गया था। इसके अलावा 29 नवंबर को किसान संसद कूच करने वाले हैं, ऐसे में नई रणनीति के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि इसे आप नई कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो पहले तैयार किया गया था ऐलान से थोड़ा पहले जो ऐलान किया गया था PM के ऐलान से पहले जो किसान मोर्चा का ऐलान था उस पर कायम है, लेकिन नए नए ढंग से जरूर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक कानून विधिवत रूप से वापस नहीं होते, प्रक्रिया पूरी नहीं होती, MSP पर कानून नहीं बनता, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, जिन किसानों की जान गई उनके परिजनों को आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं जो कि पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कुछ जगहों से बैरिकेड्स हटा लिए गए थे, सरकार की ओर से कम बैरिकेड्स हट चुके थे। किसान भी साफ तौर पर ही कह रहे थे कि हम तो रास्ता बंद करने की मंशा से आए ही नहीं थे, ना हमने रास्ता बंद किया, हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आज चूंकि एक साल हुआ और संख्या बढ़ी, तो साथ साथ पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ गई है, जवानों की टुकड़ियां भी मौजूद हैं। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, स्थिति ना बिगड़े, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।